एसपीएनआर न्यूज और मैं हूँ आपके साथ में। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 2 महीने से ज्यादा से चल रही है और यहाँ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा काफी लंबे टाइम तक चलने भी वाली है। लेकिन यहाँ गुजरात में एंट्री हो सकती है भारत जोड़ो यात्रा यानी कि राहुल गांधी की। इससे पहले आपको बता दें कि दिसंबर महीने में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हो सकती है। यहाँ शुरुआती दौर में दिसंबर के शुरुआती दौर में गुजरात में राहुल गांधी जाएंगे। उससे पहले यहाँ 22 नवंबर को भी राहुल गांधी जाने वाले हैं गुजरात में। और यहाँ पर आपको बता दें इस पूरी खबर में एक ट्विस्ट सामने आया है जो आपको बताना बेहद ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि यहाँ राहुल गांधी का समर्थन देने हार्दिक पटेल नजर आ सकते हैं। इस वक्त की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। हार्दिक पटेल जो कि एक भाजपा नेता हैं, राहुल गांधी के साथ वो नजर आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का समर्थन करने हार्दिक पटेल आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि आखिरकार हार्दिक पटेल का इस तरीके से समर्थन करने के पीछे का क्या बड़ा कारण है, ये देखना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखा जाए कि आखिरकार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गुजरात में कितनी सफल हो पाएगी या फिर विफल रहेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से गुजरात, हिमाचल, लोकसभा चुनाव आने वाले राज्यों के 3 राज्यों के चुनावों पर कितना असर पड़ेगा ये देखना बेहद ही ज्यादा जरूरी होगा। लेकिन आपको बता दें कि हार्दिक पटेल क्या गुजरात चुनाव से पहले भाजपा को एक कड़ा झटका दे सकते हैं क्या, ये एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं और इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे किसी दूसरे मुद्दे पर, तब तक के लिए देखते रहिएगा एसपीएन9 न्यूज़। धन्यवाद।